हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। तो इसको हमने बीच में से काट के और इसका सारा मल निकाल के इसमें नमक लगा के तकरीबन हमने 3 घंटे के आसपास इसको रख लिया था। 3 घंटे हमने इसको सुखाया। सुखाने के बाद अब इसका आगे का प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमने एक तवा चढ़ा लिया है, उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। तो जो हमने ये नमक लगा के करेले रखे थे, इन्हें थोड़ा पानी छोड़ा है। इसको हम साफ कपड़े से अच्छी तरह पानी इसका सारा पोंछ लेंगे इस तरीके से। जो करेलों ने नमक लगने के बाद सुखाते हैं तो ये पानी छोड़ते हैं, तो उसका पानी जो हमें सारा पोंछ लेना है। तो इस तेल को हम चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। अब इन करेले को एक एक करके सेक लेंगे। ऐसे सेक सेक कर इनको ऐसे साइड में लगा देंगे। दबा दबा के इसको सेक सेक के और ऐसे साइड में करते रहेंगे। बाकी के भी हम ऐसे कर लेते हैं। सभी को ऐसे दबा दबा के इनको पलट पलट के रखते रहना है। इस तरह से इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ना ज़्यादा जल पाए और ना ही जैसे इनमें हल्के हल्के तवे के निशान आ गए, इस तरीके से इसको फ्राई करना है, जिससे कि इसका कड़वाहट भी चला जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसकी स्क्रीन भी अच्छी से हो गई है। कुछ लोग इसकी स्क्रीन उतार देते हैं उतारने के कड़वाट के चक्कर में। कड़वाट तो वैसे भी निकल जाता है, लेकिन अगर स्क्रीन उतर गई तो फिर कहीं का करेला बचा। अगर आपको करेला ही खाना है तो उसको पूरा ऐसे ही बना के खाई। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आया है। अब इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालते हैं। इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करते हैं। तो जीरा हमारा हो गया, हमने प्याज का ले लिया, प्याज को बारीक बारीक काट लिया हमने, इसमें आधा किलो प्याज डाल लिए। करेलों में थोड़ा सी प्याज की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इसके लिए हमने आधा किलो प्याज दिए। अब इनको ब्राउन कर लेते हैं, ज़्यादा ब्राउन इनको करना नहीं है, मीडियम साइज का ब्राउन इनको करना है ताकि प्याज का बस कचाचपन जो है वो निकल जाए। इसी के साथ हमने चार प्याज मिर्च ली है बड़े वाली, इनको भी डाल देते हैं इसी के साथ और भूनना है। अब साथ ही इसमें जो हमने करेले लिए थे वो भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से चलाते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा अमचूर ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से चलाते हैं। अब इसमें हमारे जो टमाटर थे वे ऐड कर देते हैं। चार हमने छोटे टमाटर ले लिए। अब इसको अब इसमें हम सभी मसाले ऐड कर देते हैं। एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच हम हल्दी ले लेते हैं, एक चम्मच धनिया ले लेते हैं, एक चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से चलाते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार जो है नमक ऐड करते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लेना, मैं इसमें 2 चम्मच डाल रहा हूँ। अब इसे चला के भून लेंगे। ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें आधा एक छोटा गिलास पानी ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के मीडियम आंच पे पकाते हैं। तो 5 मिनट हो गया, अब इसको खोल के देख लेते हैं। अब इसको चलाते हैं। तो फ्रेंड्स करेले की रेसिपी हमारी एकदम बेहतरीन तैयार हो गई है, आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं।